नमस्कार, हेलो, आदाब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल और हमारी सुपर 30 चैंपियनशिप के एक और नए गेम प्ले में, एक और नए मैच के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले क्रिकेट 19 इस गेम का नाम है वो बता देना चाहूंगा। तो बिग एंड स्टूडियो का गेम है, एक बार फिर क्रिकेट 19 गेम का नाम है क्रिकेट 19। आज का जो मैच है वो बहुत ही खास है क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर जीतती है तो टॉप फोर में बनी रहेगी और हो सकता है रन रेट के हिसाब से जीतती है तो टॉप थ्री में भी आ सकती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरे ख्याल से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे पाकिस्तानी जो फैंस हैं कि हम लोगों को मौका बने मिले पाकिस्तान के साथ खेलने का ताकि जीतने के चांसेस बढ़े। तो चलिए यहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच शुरू करते हैं हम लोग और यूनिफॉर्म ओडीआई का ही रहेगा। मेरी इच्छा तो हो रही है इसको निकालने की यार, सरफराज अहमद को कभी खेलते तो है नहीं सही ढंग का। अबू जायद स्टेडियम दुबई में हो रहा है ये मैच और देखते हैं क्या पाकिस्तान अपनी पहली जीत हासिल कर पाएगी। बांग्लादेश अभी भी एक बार भी जीत नहीं पाई है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम लोग हार्डेस्ट गेम मोड में खेलें तो हो सकता है कि हम लोगों के खेलने के बावजूद भी टीम जीत ना पाए। बहुत मुश्किल होने वाला है बांग्लादेश के साथ यहाँ से वापसी करना। अफ्रीका भी मजबूत टीम मैं नहीं कहूँगा, एक मैच जीती है और वो भी किस्मत के भरोसे जीती थी तो वो भी देखना बहुत जरूरी है क्या परफॉर्मेंस आता है निकल के। और उधर पाकिस्तान किस्मत से हारी, परफॉर्मेंस बहुत ही खराब दिया है पूरी टूर्नामेंट में अभी तक और उसी के कारण सबसे आखिरी नंबर पे है नेशनल एंथम के साथ यहाँ पर। उसके बाद हम देखेंगे मैच कंडीशन, उसके बाद टीम रिवील होगी और फिर उसके बाद टॉस होने वाला है। यहाँ पे पांच ही गेंदबाजों को यहाँ पर बॉलिंग मिलती है, सब अलग अलग होते हैं और बैटिंग में पांच मतलब कि नंबर छह तक के बैट्समैन को बैटिंग मिल सकती है। तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका 5-5 और शेख जायद अबूधाबी स्टेडियम से हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने जा रहे हैं। एक तरफ है कप्तान सरफराज अहमद, दूसरी तरफ है क्विंटन डीकॉक। कंडीशन बहुत ही बढ़िया नहीं है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, 52%, बहुत कम बार देखने को मिलता है कि 50 के प्लस जाएगा यहाँ पर। और टॉस के लिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका को कॉल होगा। मैं सही में चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका टॉस जीते पहली, पता नहीं अगर मैच जीत बहुत सही है, चलो अच्छा है ये सोचने का झंझट ही नहीं यार। टॉस जीत जाए सामने वाली टीम, पांच ओवर का मैच है तो फिर बेहतर यही रहेगा कि अपोनेंट जीते। बॉलिंग चूज किए, पहली बैटिंग के लिए आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 60 तो नहीं मैं कहूँगा, 65 प्लस 70 के आसपास का स्कोर करना होगा। पाँच ओवर का मैच है इसलिए दो दो तीन तीन रन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 60 बोला और 60 और 65 में भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इमाम उलग पकर जमन यहाँ पे करेंगे शुरुआत और हम लोग यहाँ पर कगिसुर रबाडा का सामना करने वाले हैं। पहला शॉट गया तो गलत दिशा में है लेकिन फिर भी दो रन तो ले ही लेगा, दो रन तो ले ही लिया है। थोड़ा सा क्लोज हुआ था तो अगर थोड़ी सी तेज फेंकी होती तो काम बन जाता क्योंकि तो रनिंग काफ़ी स्लो देखने को मिली है यहाँ पे स्ट्राइकर एंड पर से। इमाम उलग यहाँ पे बड़े शॉट की तैयारी में है ही लेकिन नहीं लग रहे हैं शॉट। खेल तो अच्छा रहे हैं, दोनों शॉट खेले सही हैं, डायरेक्शन सही है लेकिन टाइमिंग में गलती होने के कारण स्पीड वो दम नहीं दिखाया देखने में शॉट को। इशारा करते हुए फील्डिंग सेटअप चेंज करने का फकर जमन आए, काफ़ी बढ़िया फॉर्म में आप देख सकते हैं, 27 का एवरेज है। इस गेम में 20 के ऊपर का एवरेज होना भी बड़ी बात है क्योंकि पहली बात तो बैटिंग ही नहीं आएगी आपकी और जब आएगी तब आपको अच्छा खेलना होगा। नॉट आउट रह जाते हैं वो सबसे बढ़िया, कमी दिख रही है बैट एंड पैड है तो नॉट आउट होना चाहिए लेकिन अगर हो सकता है कि पहले पैड लगाओ तो आउट हो सकते हैं यहाँ पे। अभी के लिए नॉट आउट दिया है, डीआरएस का भी पूछा नहीं है, मतलब काफ़ी हद तक श्योर है कप्तान भी अफ्रीका के कि भाई लेने की बात ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। पहला ओवर हमने खेला बहुत अच्छा है, मतलब कि शॉट सब अच्छे खेलने की कोशिश की है लेकिन टाइमिंग इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, ये थोड़ा सा टेंशन की बात है। गेंदबाजी मैं जहां चाहता था वहीं पे की गई अफ्रीका की तरफ से, इसके बावजूद भी और इस बार शायद वाइड होगी, ये बहुत ही कॉमन चीज है यहाँ पर। मैं थोड़ा उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ क्विंटन डीकॉक को। ओए उसको दे रही है, वो रनिंग करते करते कहाँ आ गया था इमाम और बदकिस्मती देखो हम लोग मिस, वो कीपर मिस कर गया। तो
ऐसा तो कभी नहीं होता यार, जब भी बंदा ऐसा रिप्ले में देखना चाहूंगा, सामने वाला बंदा वापस क्यों नहीं गया, मैं तो देख ही नहीं रहा था उसको। मेरी नजर एक बार भी नॉन स्ट्राइकर एंड पे पड़ी नहीं है, मैं तो भाई स्ट्राइकर एंड पर से कोशिश कर रहा था बनाने की। हमारा कैमरा एंगल जो है वो जाएगा इनके ऊपर, इन्होंने किया है पूरा गड़बड़। ये देखिए यहाँ पर रन दौड़ रहे हैं, ये वापस गए, ये अंदर ही है अभी भी, ये फिर अंदर है। अच्छा यहाँ इनसे गलती हुई है, ये गलती हुई है पाकिस्तान की खिलाड़ी की तरफ से कि यहाँ पर उन्होंने रन जो है वो लेना था लेकिन रिटर्न भी होना था, रिटर्न हुए ही नहीं है। ये देखिए ये अब रिटर्न हो रहे हैं और तब तक बहुत लेट हो चुका था यहाँ पे, जब तक रिटर्न होने का वक्त आया। देखिए यहाँ पे यहाँ तक रिटर्न ही नहीं हुए हैं, फकर जमन अभी भी क्रीज के ऊपर निकलेंगे हल्का सा। और यहाँ पर इस तरीके से ऑल आउट आउट सामने वाले को कराया, ऊपर से आउट सामने वाले को कराया। इमामुल हक तो अभी भी स्ट्राइक पे बचे हुए हैं, चार गेंदे में छह रन है, अच्छी शुरुआत है, विकेट को छोड़ दें अगर तो। शॉट सीरियसली नहीं लग रहा है यार मेरे से, पता नहीं क्यों लेट टाइमिंग दिखा रहा है इस बार, जनरली ओके टाइमिंग की उम्मीद थी मुझे, पर ओके तो छोड़िए, यहाँ पर लेट दिखा रहा है। बाबर आजम अभी तक कोई रन नहीं बनाए हैं, पहली गेंद खेलने वाले हैं इसलिए, और बड़े शॉट की तैयारी में है। लेग साइड पे आया भी आया लेग साइड पे, लेकिन आइडियल शॉट है तो शॉट चॉइस पुअर हो गया है। जब टाइमिंग बहुत बढ़िया रखा है तब गड़बड़ ये कर दी है कि उन्होंने शॉट की जो चॉइस है वो खराब कर दी है। बाबर आजम यहां पर पहली गेंद खेले, कोई रन नहीं बना पाए, चार गेंदों में पांच रन इमामुल हक की तरफ से, रिस्क लिया है सफल नहीं हुए हैं, दो रन लेने वाले हैं यहां पे, कीपर अभी भी तैयार नहीं है, तीन की कोशिश अगर करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हम लोग वापस भेजते हैं यहां पे क्योंकि विकेट एक हम ऑलरेडी गंवा चुके हैं। बाय कहीं सही लेकिन रन ऐड होते हुए दो यहाँ पर, और बाबर आजम स्ट्राइक पे आ चुके हैं यहाँ पे, दो गेंदों में कोई रन उनके स्कोर में नहीं ऐड हुआ है लेकिन उन्होंने टीम के स्कोर में। और इस बार ये हमारा पहली बार इस तरह का शॉट लगा है, हमारा लेट कट जैसा ऊपर से गया है, बहुत ही लाजवाब शॉट, चौका मिलेगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही ऊपर देख रहे, इतना ऊपर गया नहीं था शॉट बाबर आजम का। चलिए पहली बाउंड्री अच्छी तरीके से लगी है हमारी, अब ऑफसाइड पे भी हमारे शॉट लग रहे हैं, ये देख के एक राहत मिली है मुझे। इस बार तो क्या हुआ मैं समझ नहीं पाया, पिच पे गिरी है कि नो बॉल है ये नहीं समझ में आया। जी नहीं, गिर चुकी थी गेंद पहले ही। इमामुल हक चार गेंदों में पांच रन, इनको भी थोड़ा सा स्पीड करनी होगी रनिंग को, थोड़ा नहीं काफ़ी, चार गेंदों में पांच रन कुछ भी नहीं होता, पर आज के दिन इनकी किस्मत ही खराब है, शॉर्ट चॉइस फिर से पुअर आता हुआ, टाइमिंग अभी भी आइडियल आ रही है यहाँ पे। उधर नॉट जे चार गेंदों में सिर्फ पांच रन दिया इन्होंने, दो रन दिए थे इन्होंने एक्स्ट्रा, वो काउंट नहीं हुए इनके में। एक बार फिर अग्रेसिव शॉट की कोशिश, गैप ढूंढने में नाकामयाब, ओवर थ्रू मिला है, रन शुरू कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पर नहीं एक ही, अरे नहीं यार ले लेना था, थ्रो देखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि एक तो ग्रीन हल्का सा ग्रीन पिच है, वो भी लाइट ग्रीन है, उसके ऊपर सफ़ेद कलर की गेंद को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। पांच गेंदों में सात रन, और ये वाइट होगा शायद, ये गेंद वाइट होगी। जी हाँ, एक और एक्स्ट्रा रन देते हुए, इस ओवर में एक्चुअली 10 रन दे चुके हैं, तो अगर इन्होंने अभी वापसी नहीं की तो फिर ये महंगा ओवर बहुत ही ख़राब जाएगा अफ्रीका के लिए। बड़े शॉट की कोशिश लेकिन सफलता नहीं मिली है सही ढंग से, पर टाइमिंग अर्ली हो गया है, और 11 रनों के साथ ये ओवर पूरा हुआ है यहाँ से। बाबर आजम छः गेंदों में आठ, इमामुल हक पाँच गेंदों में पाँच, पाकिस्तान का रन रेट 10 पे पहुँच गया, ये थोड़ी राहत की बात है, लेकिन अभी भी मैं चाहूँगा और बढ़े यहाँ पे। गेंद ही नहीं आ रही यार वैसे इस तरह की, क्या हो रहा है, टाइमिंग में कमी दिखती हुई यहाँ पर। शॉट ओके था तो भी गैप में भी खेला था शायद, और थोड़ा वाइड खेलना था शॉट, ऊपर की तरफ से खेलना था शॉट, लेकिन एक रनिंग कैच करते हुए यहाँ पे हैंड्रिक्स, सात गेंदों में आठ रन बना के गए हैं। हैरिस सोहेल को मैं ऊपर भेज रहा हूँ यहाँ बैटिंग में, उम्मीद है कि यहाँ पर ये थोड़े बहुत रन बनाएंगे, पाँच मैचों में 26 रन बनाए हैं,
और 8 का इनका है बैटिंग एवरेज। अब 8 के रन रेट से तो काम होगा नहीं, लेकिन कम से कम 8 रन मारते, दो गेंदों में मारे तो भी मतलब है। अरे देखना स्टंप पे ना लगे, बच गए हैं, नहीं तो यहाँ पर बोल्ड होते, कॉटन बोल्ड। बाई का इशारा मिलता हुआ, फील्डिंग सेटअप कुछ खास है नहीं, मैं नहीं मानता ये फील्डिंग सेटअप इतना अच्छा है कि मैं इसको रन ना बना पाऊँ। गलती हो रही है, एज एज तो लगा है, यहाँ पे दो रन निकालेंगे, तीन की भी कोशिश करने वाले हैं। प्रॉब्लम ये है कि स्ट्राइकर एंड वाला बंदा, कीपर की साइड वाले बंदे की रनिंग हाँ तेज हो गई है 3 रन होने के कारण। देखिए क्योंकि अभी सामने वाला पहुंचा है बॉलर की एंड पे, 3 रन तीनों बाएं के। बॉलर भी खुश, बैट्समैन ना खुश, और खुश है बैट्समैन भी कि 3 रन आ गए कम से कम। शॉट अभी भी सही ढंग से नहीं लग पा रहा है, अर्ली टाइमिंग आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है यार नहीं समझ पा रहा मैं। जनरली ऐसा होता नहीं है कि यार टाइमिंग लगातार, आधा मैच हो गया है हमारा 5 ओवर का, उसमें भी टाइमिंग कुछ खास देखने को मिली नहीं है। 9 बॉल मिला है, चलिए ये गलती गेम में बहुत अजीब है यार, हमारे जब रन नहीं बनते तो सामने वाला 9 बॉल डालने लगता है। अभी ये शायद फुटस्टेप का 9 बॉल है, जी हाँ, तो इसका मतलब देखिए अगली गेंद फ्री हिट होगी। लास्ट मैच में भी गलती की थी हमारे अपोनेंट ने, 9 बॉल देखें, उसके बाद 9 बॉल के बाद फ्री हिट पे हमने बिंदास खेला था, हाथ सेट हुआ था थोड़ा बहुत, और उसके बाद हमने भरपूर रन बनाए थे। इस बार क्या हो रहा है ये पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को, या तो रेटिंग कम है इस गेम में इनका, ऐसा हो सकता है। हम चेक करेंगे अगर कोई आउट होता है या रैंकिंग सिस्टम दिखाते हैं तब। अरे इस बार तो शॉट ही गलत खेला है, मैं दौड़ाऊंगा इनको रन, लेकिन रिस्की है। अरे दूर हो गया स्टंप से, लास्ट टाइम तो ऐसा भी हुआ था कि बेल्स पे लगने के कारण, यानी जमीन पे गिरी बेल्स है उसके ऊपर गेंद लग गई तो आउट हो गए थे। रन रेट बढ़ाना होगा, आखिरी 12 खेले हैं, अगर रन रेट नहीं बढ़ाया कम से कम 60 तो करने ही होंगे अभी के हिसाब से। स्पिनर शायद कुछ बदलेंगे, जी हाँ, हमारे साथ तो स्पिनर खराब खेलते ही है, यहाँ पर हमारे अपोनेंट के साथ भी खराब परफॉर्मेंस देते हुए चौका लगाए, ये जरूरत थी इस बाउंड्री की, और बिल्कुल सही समय पे आई है। यहाँ पे इमाम उल हक अभी भी टिके हुए, ओपनिंग में आए 9 गेंदें खेली, अभी भी इनका रन रेट इतना अच्छा नहीं हुआ है, 9 गेंदों में इनके 15-16 रन होते तो मजा आता देखने में। करेंगे अब बनाएंगे रन, स्पिनर में भरपूर रन बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा काफ़ी हद तक सेट हो गया है अभी तो, तीनों चीज़ें परफेक्ट आई थी यहाँ पे। ये गेंद बाउंड्री चली गई वही बहुत बड़ी बात है, 6 जानी चाहिए थी ये, और अगर ऊंचा शॉट होता इस गेंद पे तो फिर तो पक्का कन्फर्म 6 था यहाँ। अगली गेंद, इस बार लेकिन टाइमिंग में गलती हुई है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे कैच हुआ है, ड्रॉप यहाँ पर ऑलरेडी अफ्रीका, मैंने पहले ही कहा था आपको कि अफ्रीका चौक कर जाती है, चौकर के नाम से फेमस है, और वही गलती हुई है। और हैरिस सोहेल काफी खुश यहाँ पे, इमाम उलक काफी खुश, हैरिस सोहेल तो सामने की तरफ है, आप स्ट्राइक पे आए, लेकिन इमाम उलक काफी खुश यहाँ पे, किस तरह से किया है ड्रॉप, आसान सा कैच और बहुत बुरी तरीके से ड्रॉप यहाँ पे होता हुआ। अगली गेंद की तैयारी, सामने की तरफ खेलने का डिसीजन लिया है, टाइमिंग में कमी दिखती हुई, लेकिन इस बार अच्छा कैच कर लिया है, इस बार बहुत अच्छी तरीके से कैच किया है। जो कैच मुश्किल था वो अच्छी तरीके से किया, लेकिन जो चीज खराब, जो कैच खराब था, जो कैच आसानी से हो जाना चाहिए था, वो यहाँ पर अफ्रीका की तरफ से देखने को नहीं मिला। हैरिस सोहेल ने 4 गेंदों में 1 रन किया है, मोहम्मद हाफिज को पहले भेज रहा हूँ मैं, एक्चुअली पहले नहीं, वो नीचे चले गए बैटिंग ऑर्डर में। ओवर की शुरुआत लाजवाब रही है, 4 गेंदों में 9 रन है, और अब कोशिश ये होगी कि एक बाउंड्री, कम से कम एक बाउंड्री और आए। अफ्रीका के खिलाड़ी भी चालाक हैं, यहाँ पे ऑफसाइड में गेंद की थी, सोचा था टाइमिंग सही होगा, लेकिन गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, कैच आउट हुए हैं यहाँ पर, और पाकिस्तान को एक और छटका, एक और विकेट खोया है। पाकिस्तान ने भी कैच ऑलमोस्ट ड्रॉप हो गया था, ऐसा लग रहा था हाथ से लगभग निकल गया था। 12 में 16, सरफराज अहमद को भेज रहा हूँ, इनकी हालत बहुत ही ख़राब है इस गेम में, एक्चुअली देखा जाए तो 7 मैचों में 9 रन, 3 का एवरेज, 70 का स्ट्राइक रेट, मतलब भाई साहब हर तरीके से ख़राब है, और रन यहाँ पर रो बनाने होंगे, विकेट भी बचाना होगा, क्योंकि 7 गेंदें बहुत होती हैं।
अरे रे, आउट मत हो ना, आउट मत हो ना। अरे क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया है यहाँ पर बैटिंग लाइनअप को। बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे ऑल आउट हुए हैं हम लोग। एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऑल आउट होंगे, ये नहीं सोचा था। खराब खेलना अलग होता है, ऑल आउट होना तो एक अलग ही लेवल की खराब बैटिंग होती है। अब बॉलिंग लाइनअप में आज पहला ऐसा मैच है हमारा जहाँ पे हमारे बॉलर्स को परफॉर्मेंस देना है। पहली बार भले ना कहें आप लोग, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद आज गेंदबाजी में कमाल दिखाना होगा। मुश्किल है थोड़ा रोकना 5 गेंदों में 37 करने से। बात करें अगर बैटिंग लाइनअप की, तो खराब परफॉर्मेंसेस ही देखने को मिले। एक भी ऐसा परफॉर्मेंस नहीं है जिसको हम नोट करके कहें कि भाई अच्छा खेला है। तो चलते हैं गेंदबाजी की तरफ। लाजवाब परफॉर्मेंस, प्रिटोरियस लाजवाब। शामसी 3 विकेट ले गया भाई, स्पिनर। हाँ स्पिनर 3 ले गए, 9 रन देखे। उसके अलावा सबने अच्छी गेंदबाजी की, इसीलिए अफ्रीका यहाँ पे ऑल आउट करने में सफल रही है। और पूरे 5 ओवर भी नहीं खेल पाए हम लोग, जो कि हमारे लिए बहुत खराब बात है। मोहम्मद आमिर हैं तो अच्छे गेंदबाज, लेकिन किस तरह का परफॉर्मेंस आज की इस लो स्कोरिंग मैच में देते हैं वो देखना बहुत जरूरी है यहाँ पे। हाँ चलिए, शुरुआत तो अच्छी हुई है काफ़ी हद तक। पहली गेंद और अच्छी तरीके से डाली है, अगली गेंद में स्लो डालूंगा। थोड़ा बहुत दिमाग यहाँ पे लगाना होगा हमें। गुड लेंथ पे रख रहे हैं, हल्का सा स्लो रख रहे हैं गेंद को। सेम लाइन सेम लेंथ, लेकिन कैच के लिए अपील होने वाली, ड्राइव लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हुआ है कि नहीं कैच, बहुत अच्छे, बहुत सही और बहुत अच्छा कैच यहाँ पे करते हुए। एक समय लगा कि शायद कैच ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि लास्ट मैच में जो हमारा न्यूजीलैंड का मैच था उसमें बहुत कैच ड्रॉप हुए थे। क्योंकि ये कैच तो मुश्किल था, जो नॉर्मल कैचेस होते हैं ना हाथों में वो भी ड्रॉप हुए थे। अच्छा पीछे की तरफ रनिंग कैच किया है, थोड़ा सा बैलेंस खोए थे, लेकिन भाई पाकिस्तान की टीम है, कभी भी कैच ड्रॉप कर सकती है। रिचा हेंड्रिक्स गोल्डन टक तो नहीं, लेकिन टक जरूर दिया है यहाँ पे। टैम्पा पाउमा ये अच्छा खिलाड़ी है, 4 मैच 44 रन, 170 का स्ट्राइक रेट। और एटीट्यूड देखिए भाई साहब का, एटीट्यूड से ही पता लग रहा है यहाँ पे कि जबरदस्त फॉर्म में। सेम गेंद डालेंगे, स्पीड में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। यहाँ पे मध्यम गति से डाली है यहाँ पे गेंद, गैप ढूंढने में सफल नहीं हुए। 3 गेंदों में कोई रन नहीं दिया है, 1 रन लिया है, सॉरी 1 रन दिया है। अभी गेंद हम लोग तेज डालेंगे, सब कुछ सेम, बस स्पीड जो है वो बहुत बढ़ा दी है हमने। और ये देखिए पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप यहाँ पे कमाल करता हुआ। मतलब कि भाई आज की पिच ही खराब थी मेरे ख्याल से, लगता है पाकिस्तानी बैटिंग लाइन में इतना खराब, मैं कभी इतना खराब नहीं खेलता यार कि 37 में ऑल आउट हो जाऊँ। और अपोनेंट भी इतना खराब नहीं खेलता कि 1 रन पे 2 विकेट गंवा दे। तो यहाँ पर गलती कोई नहीं किया सरफराज ने, ये अच्छी बात है, नहीं तो भाई साहब कई गलतियाँ करते हैं। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में इन्होंने जाकर कैरी किया है गेंद को, तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती। और टेम्पा वाउमा सीरियसली बहुत बढ़िया खेलते हैं इस गेम में, मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है कि कितने मैचों में मैंने इनका नाम लिया है कि भाई पिटाई कर रहा है ये बंदा हमारी। यहाँ पर स्लोअर गेंद डालेंगे, मुझे लगता है आमिर ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा तिकड़ी गेंद निकाल ली। और भी 9 बॉल पड़ गई, जंप में लेट हुआ है। अरे यार जिस तरह की फॉर्म में है यार, यहाँ पर ये 9 बॉल नहीं चलेगी, एक एक रन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तेज गेंद डाली है, एच लगा है। अरे रे ये क्या हो गया यार, विकेट मिस हुई है यहाँ पे। आउट स्विंग, सेम गेंद सेम लाइन सेम लेंथ, फर्क ये है स्पीड के साथ हम लोग खेल रहे हैं, और स्पीड आज फिर काम करती हुई। मेरे क्रिकेट 19 के जितने वीडियोस हैं इससे बेहतर परफॉर्मेंस दिखा दो आप। तीनों गेंदें बाउंस बहुत जबरदस्त, अरे बाप रे अंदर निकल गए दोनों। किससे बात कर रहे हैं भाई, एम्पायर से बात कर रहा है, वो कीपर से पूछ रहा है कि DRS क्यों की ना लूं। भाई एम्पायर तो ना ही बोलेगा ना, ये रिप्ले हम देखेंगे जरूर। बहुत लाजवाब कैच किया है यहाँ पे, और अफ्रीका पूरी तरीके से चौक कर गई है। अगर मेरे ख्याल से 1 2 3 गेंदें और मिल जाती है आमिर को, तो फिर अफ्रीका की इनिंग का दी एंड हो जाता। साइन अफरीदी आए, लेफ्ट आर्म बॉलर है, मजा आने वाला है। एक बार रिप्ले मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे, काफी मस्त रिप्ले देखने में लगा है यहाँ पे। ये देखिए पाकिस्तानी, बहुत ही रेयर देखने को मिलती है इस तरह की फील्डिंग सेटअप पाकिस्तान की तरफ से, तो इंजॉय करिए। ये देखिए कितना बढ़िया कैरेक्टर डिजाइन भी किया गया है यहाँ पे। बाबर आजम स्लिप के प्लेयर, लाजवाब परफॉर्मेंस। में साइड चेंज कर रहा हूँ, मैं वही एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे जो हम लोग राइटी के खिलाफ बना रहे थे। फर्क ये कि स्पीड के साथ हम लोग खेलेंगे, तेज गति से धीरे गति से। अरे यार अब तो लग रहा है भाई पाकिस्तान ही जीतेगी यहाँ पे।
स्लोअर गेंद की तैयारी है यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। अरे भाई मेरे को पता है कि कई लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो उनके मन में होगा कि भाई जानबूझ के पाकिस्तान से हार रहा है। भाई देख लो हालत अफ्रीका की, हमने क्या हालत की भाई, सीरियसली कह रहा हूँ। पिच में था कुछ ना कुछ गड़बड़, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि यार टाइमिंग बन ही नहीं रहा था। मैंने अफगानिस्तान के साथ खेला है, इसका मतलब वेस्ट इंडीज के साथ जो रैंकिंग के बैट्समैन है ना, जो लास्ट में आते हैं 6 विकेट गिरने के बाद, मुझे उस तरह का लग रहा था कि उस तरह का बैट्समैन है सब ओपनर्स, टाइमिंग बन ही नहीं रही थी मेरी उनके साथ। साइन अफरीदी बहुत बढ़िया गेंद, चारों गेंदे कोई रन नहीं, स्लोअर गेंद डाल रहा हूँ मैं, उम्मीद बस यही है किसी तरह से ले लिया जाए एज, लेकिन अभी तक एज तो छोड़िए मैच यहाँ पे अफ्रीका ने जानबूझ के मुझे लग रहा है कि रोमांचक बना दिया है। एक और बात है यहाँ पे कि तीसरा और चौथा ओवर हर बार सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब पहले दूसरे ओवर में कितनी भी अच्छी गेंदबाजी कर दो, सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा चौथा ओवर होता है। पाँचवें ओवर में भी जो लास्ट ओवर होता है पाँचवा, उसमें भी कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है। मैडन ओवर डाला है यहाँ पे शाहिन अफरीदी ने, यहाँ पे मैडन ओवर डाला है। स्कोर कार्ड मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर मैडन ओवर रखा है यहाँ पे। और बढ़ेंगे हम लोग अपनी अगली गेंद की तरफ, उससे पहले हम लोग यहाँ पर ज़ूम करते हैं अभी के लिए। आउटस्विंग की तैयारी हो रही है यहाँ पे, एज तो नहीं मिला है लेकिन सिंगल भी लेने नहीं दिया है, सिंगल भी लेने नहीं दिया है यहाँ पे, सिंगल भी लेने नहीं दिया है यहाँ पे। आउटस्विंग की तैयारी यहाँ पर, स्लोअर गेंद एक बार फिर करेंगे। मैंने पहले ही कह रहा हूँ भाई स्पीड के साथ खेल रहा हूँ मैं, लाइन लेंथ पूरे मैच में हमने यही रखी है, पूरे मैच में लाइन लेंथ यही रखी है। बस फर्क यह है कि फर्क बस यही है कि यहाँ पर स्पीड के साथ हमने बहुत खेला है, मीडियम स्पीड बहुत तेज, एकदम स्लोअर गेंद डाल दिया। फाइनली यहाँ पर फाइट बैक टिकता हुआ क्विंटन डिकॉक, अरे कप्तान खेल रहे हैं अभी, कप्तान अभी भी खेल रहे हैं, तो आप ये बात ध्यान रखें यहाँ पर, कप्तान अभी भी पिच पर टिके हुए हैं। गुड लेंथ, नॉर्मल स्पीड, कुछ ज्यादा स्पीड नहीं रखी है गेंद की, डॉट गेंद खेल के ये अपना ओवर ही बिगाड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। अब तो लगता है कि हर एक गेंद पे अग्रेसिव खेलना होगा। 14 में 33 हो गया स्कोर कार्ड, और जितनी गेंदें डाली हैं हमने 17 गेंदें, उनमें से मेरे ख्याल से 15 गेंदें तो इनको समझ में नहीं है ये अफ्रीकन खिलाड़ियों को, वो भी ऐसा नहीं है कि एक बंदा, पूरी की पूरी टीम यहाँ पे कंफ्यूज दिख रही है। डॉट गेंद एक और, एक चौका मार दिया था मुझे लगता है वो भी तुक्का लगा था, और पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन अब बहुत बढ़िया बाउंस बैक किया है यहाँ पे। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हुई थी, पर बॉलिंग लाइनअप ने जो परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पे, हम स्पिनर हटाएंगे, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, नहीं तो आप लोग मुझे बोलोगे जान पूछ के हारता है। स्लो लेफ्ट आर्म ओवर, अरे भाई स्पिनर ही सब भरे हैं, डालना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पर। ये एक कमजोरी हो गई है पाकिस्तान की कि तेज गेंदबाज नहीं है, लेकिन फिर भी स्पिनर भी कम नहीं है। 12, 11 में 33 कर दिया है, हर एक गेंद पे 3 रन करने होंगे कम से कम। हुगली की तैयारी एक बार फिर, एफर्ट गेंद होने वाली है ये, और इस बार ऑल आउट के एक और कदम नजदीक पहुंचा, और साधब ने जो लाइन पकड़ी है ना ऑप्शन से अंदर की तरफ आने वाली है, एक्चुअली अंदर गई नहीं है गेंद, स्ट्रेट चली गई है, हल्का सा मूवमेंट ली थी बाहर की तरफ, एंगल अंदर का है, पिच भी अंदर की तरफ आ रही है लेकिन बाहर की तरफ थोड़ा सा यह स्ट्रेट गई है, टक लेते गए। डेविड मिलर 8 गेंदों में 1 रन नहीं बना पाए बंदा। विक्टोरियस आते हुए अब इंतजार हो रहा है पाकिस्तान को अपनी पहली जीत का। 4 रन देके 5 विकेट में ऐसा परफॉर्मेंस कौन देता है। वहाँ एक फायदा बहुत होगा, अगर हम लोग यहाँ पे जल्दी आउट कर लेते 10 रन के आसपास, तो एक फायदा ये होगा कि नेट रन रेट में यहाँ पाकिस्तान वापसी करेगी। पहला मैच बहुत ही खराब रहा था पाकिस्तान का, लेकिन उसके बाद अगर यहाँ जीत जाती है, बहुत बड़ी जीत अगर मिलती है, तब तो भाई वापसी के संकेत दे दिए यहाँ पे टीम ने। और आप एक बात देखना, पाकिस्तान का ये रिकॉर्ड रहा है, वो किसी भी ICC टूर्नामेंट में जब भी जीतती है या अच्छा परफॉर्मेंस देती है, तब वो शुरुआत में ख़राब ही खेलती है, फिर धीरे 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 वो वापसी करती है। और यहाँ पर भी यही हो रहा है मेरे ख्याल से, जब उनके देश वाले या क्रिकेट फैंस उनको गालियाँ देने लगते हैं, तब जाके उनको अक्ल आती है कि भाई यहाँ पर हमें अच्छा खेलना है। स्पिनर में यही प्रॉब्लम है यार, अब उतने ढंग से गेंद नहीं डाल सकते, क्योंकि वाइड गेंद ज़्यादा जाने के चांस होते हैं। जिन लोगों ने क्रिकेट 19 खेली हुई उन्हें ये
बात पता होगी, जिन्होंने नहीं खेली है उनको नहीं मालूम पड़ेगा। वो पर जो मैं कह रहा हूँ अपील हुई है यहाँ पर, लेकिन सर बैट लग चुका है पहले, इसीलिए गेंद भी उछली काफी है। और सरफराज ने भी पैरों पे मार दिए कि भाई यहाँ मारी थी, यहाँ मैंने गेंद डालनी है। टॉप स्पिन पहली गेंद तो काम कर गई, अगली गेंद में आम पॉट डालने की कोशिश कर रहा हूँ। एफर्ट वाली गेंद है और अभी के लिए यहाँ पर रोक ले भाई, रोक ले। बड़ी जीत होगी तो नेट रन रेट में हेल्प होगी। अगर यहाँ पर बड़ी जीत मिलती है पाकिस्तान को तो एक नेट रन रेट में जितनी हेल्प मिलेगी वो फिर किसी और के साथ नहीं होगी। यहाँ पर तो यार चौके मारने से जीत नहीं पाएगी, ये तो कंफर्म हो गया है। जीत भी जाएगी पाकिस्तान ही, लेकिन यार थोड़ा सा तेज गेंदबाज ऐड करने होंगे पाकिस्तान को नेक्स्ट टाइम। स्पिनर के भरोसे आप नहीं रह सकते, मीडियम पेसर भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल नहीं रहता, लेकिन राइट मीडियम फास्ट गेंदबाज है तब बहुत हेल्प होती है। अरे यार अभी भी जीत तो नहीं पाएगी, सिक्स तो जाएगा नहीं, वन बाउंस बाउंड्री जा रही है। यहाँ पर पाकिस्तान जीत चुका है, बस अफसोस एक बात का है कि यहाँ पर ऑल आउट के नज़दीक होने के बावजूद हम नहीं कर पाए। सरफराज समझाते हुए हाफिज़ को कि किस तरह से गेंद करनी है, लेकिन भाई आसान नहीं है स्पिनर के साथ इस पिच पे गेंदबाजी करना। अरे जीत तो गई है पाकिस्तान, वो तो मैं पहले ही कहा है, लेकिन बस वही अफसोस है कि यार बड़ी जीत चाहिए थी पाकिस्तान को इस मैच में वापसी के लिए। मैंने गेंदबाजी भी बहुत ट्राई करके देखी, लगभग सारी शॉर्ट पिच गेंद, और यहाँ पर देखिए ये शॉर्ट पिच काम किया है अंत में, और पाकिस्तान 8 रनों के साथ यहाँ पे जीता है और बड़ी जीत यहाँ पे लेके गई है पाकिस्तान, क्योंकि शुरुआत जिस तरह से की एक संकेत दिया है यहाँ पर कि हम जीत सकते हैं। बॉलर्स को जाता है क्रेडिट, और रियल क्रिकेट 19 में बहुत रेयर होता है ऐसा कि गेंदबाज मैच जिताएं, क्योंकि 5 ओवर का मैच है, और अगर आप यहां पर रन नहीं दिए हैं, आपके बैट्समैनों ने रन नहीं बनाए, तो फिर सारी जिम्मेदारी तेज गेंदबाजों पे आ रही है, और बैट्समैन रन बनाएगा भाई। 5 ओवर का मैच है, 30 गेंदें हैं, 5 बैट्समैन हैं, तो भाई वो खड़ा रहने तो आएगा नहीं। पर यहाँ पर जिस तरह से मैडन ओवर डाली अफरीदी ने, जिस तरह से आमिर ने शुरुआत दिलाई है, दिल जीत लिया तेज गेंदबाजों ने। यहाँ पे स्कोर कार्ड देखेंगे, अफ्रीकन फैंस नहीं चाहेंगे देखना, क्योंकि 4 डक लेके गए भाई, पहली बार ऐसा स्कोर कार्ड देखने को मिला है 4 डक, वो भी अगर तेज गेंदबाज होते तो मेरे ख्याल से ये तीसरे ओवर में मैच खत्म था, ये कन्फर्म तीसरे ओवर में खत्म था, क्योंकि मोहम्मद आमिर अकेले ही 3 ले गए, शाहीन अफरीदी की ओवर में रन ही नहीं बने। उसके बाद तीनों हसन अली ने चौका दिया था, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन विकेट नहीं मिल पाई, तो चौथे में तो खत्म हो जाता मैच। शादाब खान और हफीज की जगह अगर तेज गेंदबाज होते तो काम हो जाता, मैन ऑफ द मैच बने क्विंटन डी कॉक, ये अनफेयर हुआ है भाई। अरे यार दोनों तरफ से गेंदबाजी देखें, 9 में 3, 1 रन दे के 3, आमिर को मिलना था इस बार 16 रन को आप इंपॉर्टेंट नहीं दे सकते, वो भी कोई खास बैटिंग नहीं किया डी कॉक ने। रैंकिंग में चेंजेस देखने को मिलने वाला है, पाकिस्तान नंबर 7 पे चला गया, ज्यादा हेल्प नहीं हुई है, नेट रन रेट में हेल्प हुई है, आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 2 पॉइंट पीछे हैं, लेकिन सारी टीमें जो है ना ये 8 की 8, उनका एक ही टारगेट है टॉप 4 में आना, टॉप 4 में नहीं आते हैं तो कोई मतलब ही नहीं रहता। इंग्लैंड इंडिया अभी भी डोमिनेट कर रहा है इस टूर्नामेंट में, लेकिन कल से राउंड 4 शुरू होने वाला है। अब मेरे मन में वही डाउट है कि मैं हार्ड मोड में खेलूं कि ना खेलूं, मैं सोच रहा हूं खेल लूं। कल से जो 4 मैच होंगे वो हार्डेस्ट गेम मोड में होंगे, हम सबसे मुश्किल गेम मोड में खेलने वाले हैं, बैटिंग करने वाले हैं, बॉलिंग तो कर ही रहे हैं, बैटिंग करेंगे कल से। और पता नहीं कौन सी 4 टीमें, मैं अभी दिखाऊंगा कौन सी 4 टीमें बदनसीब हैं जिनके साथ मैं बैटिंग करने वाला हूं। बांग्लादेश अब आना करना होगा वापसी, तो चलिए अब देखते हैं, हमारा वो दिखाते हैं आपको। हाँ बैटिंग में कोई चेंज देखने को मिला है कि नहीं, शिखर धवन टॉप पे, रॉस टेलर, मार्टिन कपटिल, आरोन फिंच, नहीं भाई कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला है। जो है आज के मैच के पाकिस्तान और हमारे अफ्रीका के प्लेयर, उनमें कोई अप नहीं हुआ है ज्यादा कि मेंशन देना पड़े। और कल का राउंड 4 जो है, हम वेस्ट इंडीज बनने वाले हैं हार्डेस्ट गेम मोड में, इंडिया की किस्मत जाग गई है, न्यूजीलैंड की, अरे इंग्लैंड की किस्मत भी जाग गई है, पाकिस्तान की किस्मत खराब, बांग्लादेश की किस्मत जागी है, साउथ अफ्रीका की किस्मत अच्छी है, क्योंकि हम लोग हार्डेस्ट मोड में खेलेंगे, इतना आसान नहीं है। लास्ट टाइम जब मैंने खेला था तो एक भी गेंद यानी 5 ओवर में ज्यादा कुछ कर नहीं पाया था, तो देखते हैं क्या होता है। वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका हम बन के बैटिंग करेंगे, और अगर ये मैच हम जीत गए तो भाई ये चारों टीमें बहुत बड़ा अप करेंगी रैंक में। इस वीडियो को अब करते हैं एंड, आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए,
खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना सपोर्ट प्यार हमारे वीडियोस और चैनल को देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।